हादा सदी गाल हैं सभी सब्सक्राइब हाँ तो भाई ने सब्सक्राइब कर लिया आप लोग भी Something's up because you call me. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं वो अपने आप को एंटरटेन कैसे करते हैं डेली, और जिस दिन काम नहीं रहता है, और खास करके हाउस ड्राइवर लोग अपने आप को एंटरटेन कैसे करते हैं और अपने टाइम को कैसे बिताते हैं, और दो दो साल तीन तीन साल कैसे गुजार लेते हैं गल्फ कंट्रीज में। क्या उनको अपने घर की याद नहीं आती? क्या उनको अपने वाइफ की, बच्चों की याद नहीं आती? क्या उनको अपने लवर की याद नहीं आती? लवर बोलते कि कान तेज करके सुन रहे होंगे आप लोग। हाँ भाई, मेरी लवर है वहां किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। वो मेरी नहीं, किसी एक की हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस को देख रहा था टिकटॉक में, वहां से ये पता चला। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फार भाई का जो है नुस्खा, नहीं सवाल था कि आप एंटरटेन कैसे करते हो अपने आप को। तो मैं एंटरटेन करने के लिए क्या करता हूँ आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं जाऊंगा अभी बकाला, बकाले से मेरे को लाना है दूध। दूध क्यों भाई? चाय बनाने के लिए। क्यों, आप चाय नहीं पीते? चाय पीते पीते बात करेंगे भाई, आप भी बना लो जब तक मैं बकाला जाकर के आता हूँ। मैं आपको भी साथ में लेके चलता हूँ, चलिए। तो बाबू पसीना बहुत आ रहा है, बहुत सारी गर्मी हो रही है, तो चलिए आपको बताते हैं बाहर की दुनिया। बिस्मिल्लाह, देखो गाड़ी खड़ी है, बाहर की दुनिया कुछ ऐसी है। यहाँ पर इतनी धूप है भाई, तो इतनी धूप में जाना है बकाला, उससे पहले डोर लॉक करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं बकाला। इस वीडियो में मैं बहुत कुछ खास खास बातें बताऊंगा आपको जो सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं। बिस्मिल्लाह, और अपने लोगों से कुछ छुपाते हैं, और ये रोना रोते हैं कि हमारी फैमिली वाले जो है सिर्फ हमसे सैलरी पूछते हैं। इस पे भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा एंड तक देखना, डेली शहर व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है ना? यल्ला चलते हैं बकाला भी। बिस्मिल्लाह। तो भाई ये बकाला कुछ यहाँ पर है महत्ते में, पेट्रोल पम्प में मैं यहाँ पर आता हूँ कभी कभी। तो हादा ना सदीक, सलाम अलैकुम। केवल हाल सदीक आना सवर यूट्यूब। हाँ तो बकाले में आ गया मैं, यहाँ से लेना है मेरे को हलीब। वेल हलीब 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 वे हाल हादा हलीब सा हादा कोई हक अल साफ हादा स्त्री या शबाब हक साफी उसे बुआ गैर वो गैर बुआ शे या शबाब अना मान दी फलूस ज्यादा हादा फलूस शो या बस अना शेल में सदीक ओके। चलो एक कोदरेद और एक दूध ले लिया है, अभी इनको पैसा पे करेंगे और जाएंगे। ये क्या चीज़ है भाई यहाँ रखा हुआ है सब? हादा सदीक अल हिंद सभी सब्सक्राइब हाँ तो भाई ने सब्सक्राइब कर लिया, आप लोग भी कर लो। चला सलाम। सो दिस इज़ द गार्डन, आई मेक माई टाइम पास सम टाइम हियर। मैं यहाँ पर कभी कभी अपना टाइम पास करता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं आता हूँ यहाँ पर। अच्छा है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ। सो भाई लोग, तो मैं अभी आ गया हूँ दूध लेकर के रूम पे, बिना नाश्ते के बिना खाने के मैं ये दवाई खा रहा हूँ, यानी कि गोली खा रहा हूँ। गोली यानी कि ये है पावर ड्रिंक कोडेड, ठीक है? तो इसको मैं पीता हूँ, पीते पीते आप लोगों से बात करता हूँ। मैं आपको क्या बोला था कि मैं दूध लाऊंगा और चाय बनाऊंगा और चाय पीऊंगा, लेकिन मैं दुकान को गया, बकाले को गया और कोडरेट लिया। ये भी एक मेरा टाइम पास का ही है, मैं ये टाइम पास के लिए पीता हूँ, ठीक है? लेकिन ये ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। इससे वाला बड़ा जो कैन आता है वो सिर्फ दो, एक दिन में दो कैन पी सकते हैं, ठीक है? एक बंदा ऐसे ही करके यहाँ पर गड़बड़ कर लिया था, अपनी सेहत की वाट लगा लिया, बगैर नाश्ते के चार पांच कैन ऐसे पी करके बेहोश पड़ गया, ठीक है? ये काम नहीं करना चाहिए। तो भाई का सवाल था कि आप अपने आप को एंटरटेन कैसे करते हो। बिस्मिल्लाह, आपको आप देखे होंगे जो गार्डन में बताया हूँ, वो गार्डन में कभी कभी जाता हूँ। या वादी नमार मेरे घर के पीछे है, रूम के पीछे ही है वादी नमार, वादी वहां पर जाता हूँ कभी कभी
कभी कभी जाता हूँ मेरे दोस्त के पास निज़ाम, वो निज़ाम भाई जो हम लोग बिरयानी वगैरह बनाते हैं कभी कभी, उनके पास जा कर के बैठ जाता हूँ कभी कभी। और कभी कभी क्या, हर वक्त फ़ोन में लगा रहता हूँ। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ये तीन चीज़ मैं ज़्यादा चलाता हूँ, ठीक है। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में ज़्यादा करके मैं फिल्म्स देखता हूँ, मूवीज़। वो मूवीज़ कौन सी देखता हूँ, ज़्यादा लव स्टोरी वगैरह की नहीं, यही देखता हूँ कि हुरूर वाली जो शैतानी जो होती है ना, शैतान की, या फिर जो हुरूर शो होता है, जो लोग रात में जा कर के घर में बोलते हैं कि यहाँ हमने भूत देखा, यहाँ हमने शैतान देखा, ये चुड़ैल वाला घर है, पता नहीं वो सच्चाई बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट आता है वैसे वीडियोज़ देखने में, तो मैं देखता हूँ क्योंकि मेरे को डरावनी वीडियोज़ अच्छी लगती है। मैं शुरुआत किया था एक खबर से, जो कि वो एक पाकिस्तान का वीडियो था, पाकिस्तान में सज्जाद करके नाम है, वो सज्जाद सलीम करके वो चलाया था वो वीडियो। एक खबर ऐसी थी कि वो किसी को दफनाने नहीं देती अपने अपने उसके अंदर किसी को, वो पाकिस्तानी वीडियो था, वो देखा था, वहां से मेरा हुरूर का शो चालू हुआ सऊदी अरब में, ठीक है। तो भाई उसके अलावा मेरे पास दूसरा टाइम पास करने के लिए कोई रास्ता और कोई दूसरा काम ही नहीं है। और नमाज पढ़ता हूँ कभी कभी, दुआ करते बैठता हूँ कभी, नमाज पढ़ता हूँ कभी, कुरान पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ कभी, जिक्र इलाही करता हूँ, और क्या करूँ भाई उसके अलावा। लेकिन मेरे को काम बहुत ज़्यादा रहता है, अभी काम नहीं रहने की वजह तो आपको पता ही है, लॉकडाउन की वजह से जो एक काम नहीं है, वैसे तो मेरे को कंटिन्यूसली काम रहता है। हाँ कभी कभी बाहर जाने की ये भी कोशिश कर लेता हूँ कि ये जो नाकाम कोशिश होती है, मैं कभी बाहर जाने की कोशिश करता हूँ बगैर बोल के, तो मेरे को कंपलसरी फ़ोन आ जाता है। जब भी मैं बाहर जाऊंगा, कहीं ट्रैफिक में अटक जाऊंगा, फोन पे फोन कम से कम 10 मरतबा फोन आएगा, किधर है किधर है किधर है, इमरजेंसी जानना रहता है कभी भी। बस ये सोच के मैं कहीं बाहर ही नहीं जाता हूँ, बाहर नहीं जाने की वजह यही है कि फोन आ सकता है। बोल के जाता हूँ कभी कभी, बोल के जाता हूँ, वो भी जाने का टाइम मेरा रात का होता है, या तो जुम्मा के दिन सुबह कभी से भी लेकर के सुबह 4-5 बजे से लेकर के 10 बजे तक टाइम मिलता है, कहीं पर भी घूम के आ सकते हैं, वो बोल के जाना चाहिए। और एक बात, फैमिली से जुड़ी कुछ बातें बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लवर्स के बारे में भी बोलूंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे लवर्स बॉय है यहाँ पर, बहुत सारे उनकी शादी भी होने वाली थी, लॉकडाउन की वजह से रुक गई है। भाई क्या बोलते हो, सच्चाई बोला है ना, झूठ तो नहीं बोला है ना। हाँ तो भाई देखो, सऊदी अरब में, गल्फ में, आप जहां पर भी रहते हो, ये मेरे फोन का बैग का कवर निकल रहा है, अगर कोई बंदा ठीक करने वाला है तो बोलो यार, फोन दे दूंगा मैं आपको, फोन बना करके दे देना फ्री में, मेरे पास पैसा नहीं है अभी, ठीक है। तो भाई सऊदी अरब में, गल्फ में, जहां पर भी आप काम करते हो, अपनी सच्चाई बताया करो, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने जो भी आपको बात करते हैं, जिसको भी आप बात करते हो, उनको सच्चाई बोलना चाहिए, खास करके अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ वगैरह को, ठीक है। क्योंकि आप सऊदी अरब आते हो पैसा कमाने के लिए, जब भी आपके घर वाले आपको फोन करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको एक ही जवाब देते हो, हाँ मैं खैरियत से हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं बढ़िया हूँ, हाँ मैं मस्त हूँ, खाना बिना खाया, क्या खाया बेटा, यहाँ तुमने टमाटर की चटनी भी खाई होगी तो तुम यही बताओगे कि मैं चिकन की बिरयानी खाया हूँ, आज तहरी खाया हूँ, आज ऐसे, ये मत करो, मत बोलो। आप मिर्ची से खाए हो तो बोलो फैमिली को कि हाँ मैं आज मिर्ची से खाया हूँ, वो सवाल करेंगे क्यों, उनको बोलो कि मेरे को काम था, टाइम नहीं था पकाने के लिए, या मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जो पैसा था मैंने घर को भेज दिया, मेरे पास पैसा नहीं रख लिया। तो वो लोग आपको रास्ता बताएंगे कि आपको करना क्या है। अगर आप सच्चाई नहीं बोलोगे तो आपको वो यही बोलेंगे। बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा है मैंने कि घर वाले सिर्फ फोन करते हैं तो पैसे के लिए करते हैं, घर वालों को सिर्फ पैसे की जरूरत होती है, घर वालों को अपनी फिक्र, हमारी फिक्र नहीं होती है। भाई आपकी फिक्र क्यों नहीं होती है? आपकी फिक्र नहीं होने की वजह खुद आप हो कि आप सच्चाई नहीं बता रहे हो, आप अपने आप को कंट्रोल में रख रहे हो। अगर आप मर भी जाते हैं तो वो लोग को पता नहीं चलेगा। आप शुरू से सच्चाई बोलते हुए आओ, आप अपनी परेशानी सुनाते हुए आओ। आपने आज रमजान की ईद है, आपने कपड़े खरीदे, हाँ खरीदे, आपने खरीदे, हाँ खरीदे, फिर तुमने क्यों नहीं खरीदा, तुमने नहीं खरीदा फिर भी बोल दिया कि हाँ मैंने खरीद लिया, ये मत बोलो, ऐसा झूठ मत बोलो। अपने फैमिली को सच्चाई बताना चाहिए, हाँ टाइम पास के लिए ये भी एक काम मैं करता हूँ, अपने फैमिली से बात कर लेता हूँ कभी कभी, दोस्त से, लेकिन दोस्त तो मेरे रहे नहीं भाई, जो दोस्त थे इंडिया के, मतलबी यार थे, मतलबी लोग थे, सब अपने मतलब से बात करते थे, अपना मतलब निकल गया तो सब लोगों ने हाथ धो लिया, माँ सलामा करके चले गए, तो हमको भी जरूरत नहीं है, हमको भी जीने की आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। और सऊदी अरब में जो दोस्त है मेरे, खास करके जो है, ज्यादा तो कोई दोस्त नहीं है, एक यहाँ मेरे पास में रहते हैं बंदा निज़ाम, और एक 4 नंबर पे रहता है इमरान, इमरान करके नाम है,
चार नंबर एग्जिट में रहता है वो बंदा काम करता है, यूपी का है, पता नहीं यूपी में कहाँ का रहने वाले है वो याद नहीं है, लेकिन यूपी का बंदा है, बहुत सालों से वो मैं एक ही फैमिली में काम करते हैं और ये हमारे निजाम भाई भी एक ही फैमिली में काम करते हैं। तो भैया ही है टाइम पास करने का जरिया और दूसरा कुछ नहीं है यहाँ सऊदी अरब में टाइम पास करने के लिए। अब जो कंपनी में काम करते हैं ना, जो वो लोग जिसको टाइम मिलता है वीकेंड पे टाइम मिलता है, वीकेंड पे जो फैमिली के साथ रहते हैं या कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको वीकेंड यानी कि जुमेरात के दिन रात में उनको छुट्टी हो जाती है, जुम्मा और हफ्ता छुट्टी रहती है। तो ये लोग क्या करेंगे, कहीं कभी दम्माम चले जाएंगे, कभी जैसे वादी नमार आ जाएंगे, कभी कोई पार्क को चले जाएंगे, कभी वादी हनीफा जाएंगे, कभी किधर भी चले जाएंगे, बस जहां उनको जाना होता है, कभी बारबेक्यू करने के लिए चले जाते हैं और कुछ नहीं, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई कुछ लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल करके डांस करते हैं और रूम में बैठ करके बिरयानी बनाया, कोई बारबेक्यू कबाब वगैरह जो भी होता है, बस किधर से भी करके भाई जिंदगी का टाइम काटना होता है, क्योंकि जिंदगी भर सऊदी में थोड़ी रहना है। क्या बोलते लवर बॉयज, हाँ लवर बॉयज बोले तो यहाँ पर बहुत सारे लवर बॉयज सब आ जाएंगे, बोलेंगे कि भाई मेरी लवर मेरे को याद कर रही है, मेरे को इंडिया जाना है, मैं कैसे जाऊं। और ये भी बोलेंगे कि भाई मेरी शादी थी यार, लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं जा सका, मैं कैसे जाऊं यार, कुछ तो कुछ रास्ता बता दो शायर भाई। भाई देखो मैं यही बोलूंगा आपको, पूरा लॉकडाउन खत्म होने तक, यानी सॉरी पूरा कोरोना खत्म होने तक आपको इधर ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब जो है अक्टूबर तक भी इंटरनेशनल फ्लाइट को परमिशन नहीं दे रहा है, आप लोगों ने सुना होगा पिछली वीडियोस में, ठीक है, अगर नहीं सुना है तो जाकर के देख लेना। और डेली शायर व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले भाई। हाँ एक बात आपको बता दूं, आपके दिल में जो भी है आप कमेंट में लिखो ना भाई, देख करके क्यों जा रहे हो, मुंह मोड़ के मत जाओ भाई, लिखो कमेंट लिखो ताकि हम पढ़े और पढ़ करके वीडियो बनाए, अब वो आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। तो बस यही था भाई, फहद भाई आपका जवाब मिल गया होगा, इतनी छोटी बात आपकी इतनी लंबी वीडियो में बनाया हूं, कुछ लोगों को बकवास लगेगा और वो लोग देखे भी होंगे तो शुक्रिया, अगर नहीं देखना चाहते तो मां सलामा, कोई बात नहीं भाई, देख लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाती, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहां तक वीडियो देखने के लिए, आपका आपने जिंदगी का आपने अपनी जिंदगी का जो टाइम निकाल करके मेरी वीडियो देखा है, तो उसके लिए आपको तहे दिल से थैंक यू। ऐसे ही वीडियो आजकल आते रहेंगे, क्योंकि व्लॉगिंग, दिस इज व्लॉगिंग माय बॉयस, हाउ टू डेली व्लॉग्स, बस ऐसे होते हाउ टू डेली व्लॉग्स डेली, मेरे चैनल का नाम है डेली, यानी कि डेली वीडियो डालो शायर भाई, आप कुछ भी करो डेली वीडियो आना चाहिए, नो एक्सक्यूज एक्सक्यूज, हाँ नो एक्सक्यूज और नो लेजीपन, नो सोचिंग ज्यादा, बस मेकिंग वीडियो एंड अपलोडिंग इन यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब बोला मेरे को तुम अपना काम करो, मेहनत करो, आपको फल मिलेगा, तो मैं वही करूंगा। यूट्यूब ने खुद ईमेल करके बोला है भाई, आपके भाई को बताऊंगा नहीं, सच्चाई है। मां सलामा, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं आपको अगली कोई अच्छी वाली वीडियो में, कमेंट करना मत भूलिएगा, मां सलामा।